स्वामी 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 नहीं स्वामी 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 नहीं स्वामी 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 नहीं स्वामी नहीं नहीं स्वामी नहीं नहीं स्वामी स्वामी माता स्वामी माता स्वामी माता स्वामी शांत हो जाइए स्वामी स्वामी माता स्वामी शांत हो जाइए स्वामी स्वामी संभालिए माता स्वामी शांत हो जाइए माता शांत हो जाइए माता शांत हो जाइए माता शांत हो जाइए माता अपने आप को संभालिए माता सर्वनाश हो उनका जिन्होंने मेरा सुहाग लूटा वंचना रहे उनका जिन्होंने मेरे स्वामी के प्राण लूटे संसार में नाम ना रहे उनका जिन्होंने ऐसी कायरता की ऐसी कायरता माता स्वामी माता, स्वामी नहीं स्वामी नहीं शांत हो जाइए शांत हो जाइए माता शांत हो जाइए माता माता हे पिताश्री मैंने आपसे कहा था पिताश्री कि आतंक के समक्ष सिर झुकाना आतंक को औचित्य प्रदान करना होता है जो लोग अहिंसा को कायरता समझते हैं उन्हें यह विश्वास दिलाना आवश्यक होता है पिताश्री कि अहिंसा व्यक्ति को कायर नहीं बनाती आपने मेरा तर्क समझा पिताश्री आपने मेरा तर्क समझा परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी माता मैंने गणना की आपने 21 बार अपनी छाती को पीट कर विलाप किया 21 बार मैं आपको अपने पिता के पार्थिव शरीर पर यह वचन देता हूं माता कि मैं इन क्षत्रियों का 21 बार वध करूंगा 21 बार उनके वंश को मैं नष्ट करूंगा हे माता मैं इस धरती को उन कायरों के रक्त का सरोवर बना दूंगा आपकी सौगंध माता आपकी सौगंध मैं यही करूंगा माता मैं यही करूंगा जंबो कितना बड़ा अनर्थ कर दिया दुष्ट शास्त्र अर्जुन ने महादेवी भ्रष्टाचार और उन्माद से चूर व्यक्ति अनर्थ के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है परशुराम ने सत्य ही कहा था कि कहीं जमदग्नि उसके तर्क को समझने में विलंब न कर दे उन्होंने विलंब कर दिया और इसका ये फल हुआ पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऋषि जमदग्नि परशुराम के तर्क से पूर्णतः सहमत क्यों नहीं थे महादेवी ऋषि जमदग्नि का एक मन कह रहा था कि वो परशुराम के तर्क से सहमत हो जाए परंतु दूसरा मन कह रहा था कि सहमति का अर्थ ये होगा कि स्वयं की विचारधारा की पराजय को स्वीकार कर लेना
वो असमंजस में पड़ गए और इसी असमंजस के कारण उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। एक कारण और था महादेवी। वो क्या था कमल नयन? ऋषि जमदग्नि को शस्त्र की महत्ता का ज्ञान तो था, परंतु शस्त्र के प्रयोग का ज्ञान नहीं था। मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। ऋषि जमदग्नि शस्त्र विद्या की शिक्षा अवश्य देते थे महादेवी, परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि इस विद्या का प्रयोग स्वयं उन्हें भी करना पड़ सकता है, उन्हें युद्ध भी करना पड़ सकता है। इसका फल यह हुआ महादेवी कि जब युद्ध का समय आया तो शस्त्र विद्या में उनकी निपुणता उनके किसी काम नहीं आई। पर वो तो युद्ध में विश्वास ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि वे जन्म से ब्राह्मण हैं और उनका कार्य केवल शिक्षा देना है। यही तो उनकी भूल सिद्ध हुई महादेवी, यही तो उनकी भूल सिद्ध हुई। जाति का संबंध जन्म से नहीं, कर्म से होता है। व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसका कार्यक्षेत्र करता है। यदि कार्यक्षेत्र परिवर्तित होता है तो व्यक्ति की जाति भी परिवर्तित होती है। आप सत्य कहते हैं। इस साधारण रहस्य को जमदग्नि ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। उनके हाथों में जब पुस्तक थी तब भी वे स्वयं को ब्राह्मण ही समझते थे, और जब उनके हाथों को शस्त्र उठाना पड़ा तब भी वे स्वयं को ब्राह्मण ही समझते रहे। आपने सर्वथा सत्य कहा महादेवी। महादेवी, जिस प्रकार अग्नि जब रसोई में होती है तो उसका कार्य कुछ और होता है, परंतु जब वो अग्नि दीपक की लौ में सिमट जाती है तब कुछ और होता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न कार्यों में क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए, यही तो वास्तविक ज्ञान होता है। ऋषि जमदग्नि को यह ज्ञात होना चाहिए था महादेवी कि शत्रु छल का प्रयोग भी कर सकता है। ये सब सत्य है कमल नयन, किंतु ससुरार्जुन के पुत्रों ने उन्हें छल से मार दिया। वो तो घोर कायरता थी महादेवी, घोर कायरता। सहस्रार्जुन और उसके पुत्रों को इसका दंड अवश्य मिलेगा, कठोर दंड मिलेगा। श्री, ये आपका अंत नहीं है, ये तो साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत है। आप मान नहीं सकते पिताश्री, मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि आप तो ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है। आचार्य कभी नहीं मरते पिताश्री, आचार्य कभी नहीं मरते। वो तो अपनी दी हुई शिक्षा और अपने बनाए गए शिष्यों के रूप में सदा के लिए जीवित रहते हैं। आज हमें ये प्रण करना है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में कोई पीछे नहीं हटेगा। पिताश्री की मृत्यु ने हमें यह सिखाया है कि हमें युद्ध के उन्माद का अंत करना है। जो भी व्यक्ति समाज पर युद्ध थोपता है वो मानवता का शत्रु है, और हमें इस धरती को इन शत्रुओं से मुक्त कराना है।
पिताश्री की जय हो। पिताश्री, आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि हमने आपके शत्रु को मृत्यु के घाट उतार दिया। किस शत्रु के विषय की बात कर रहे हो पुत्र? ऋषि जमदग्नि के विषय में। क्या? हाँ पिताश्री, जमदग्नि ने आपके साथ छल किया था और हमने उसे उसका दंड दे दिया है। ऋषि जमदग्नि ने छल किया था? क्या छल किया था? उन्होंने सुशीला के स्थान पर आपको कोई साधारण गऊ दे दी थी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, वो सुशीला ही थी। किंतु उसने तो हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं की। मूर्खो, पुत्र पिता की सहायता करते हैं, परंतु तुमने तो एक बहुत बड़ा संकट मेरे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं चाहता था कि परशुराम को समाप्त करने के लिए मुझे थोड़ा समय मिल जाए, युद्ध कुछ समय के लिए टल जाए, ताकि मैं अपनी शक्ति को एकत्र कर लूं। परंतु तुमने तो युद्ध को मेरी चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऋषि जमदग्नि का वध परशुराम को आग बबूला कर देगा। परंतु पिताश्री, परशुराम का तो अपने पिता के साथ मतभेद हो गया था। विचारों के मतभेद से रिश्ते नाते नहीं टूट जाया करते पुत्र। ऋषि जमदग्नि परशुराम के पूज्य पिता है। विचारों का मतभेद होते हुए भी उनका सीम आदर करता है। भूल गए? ऋषि जमदग्नि की आज्ञा से उसने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अब क्या होगा पिताश्री? मुझे सोचने दो, मैं एकांत चाहता हूं। प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता श्री। आयुष्मान भव। क्या बात है स्वामी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महारानी, हमारे पुत्रों के हाथों ऋषि जमदग्नि का वध हो गया है। इसका तो बहुत भयंकर परिणाम हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूं? ऋषि जमदग्नि को जीवित तो नहीं कर सकता। अपने पुत्रों को दंड तो दे सकते हैं आप। कैसी माता हैं आप, अपने पुत्रों पर दया करने के स्थान पर उन्हें दंड दिलाना चाहती हैं। वे दया के पात्र नहीं है स्वामी। संतान की भूल को अनदेखा करना संतान को और भी बिगाड़ने के समान है। कोई दूसरा संतान को दंड दे, इससे अच्छा है कि माता पिता स्वयं अपनी संतान को दंड दें। किसमें इतना साहस है कि मेरे होते हुए मेरी संतान को दंड दे? परशुराम को भूल रहे हैं आप। उसमें इतना साहस कहां कि वो मेरे सम्मुख आए। वो आपके सम्मुख आ चुका है स्वामी। उस समय मैं तैयार नहीं था और अब वो पहले से अधिक तैयार है। आप परशुराम से अत्यधिक प्रभावित दिख पड़ती है महारानी। जब वो पहली बार मेरे सामने आया था तब मैंने उसे पुत्र कहकर पुकारा था। तो फिर उसी पुत्र की शरण में क्यों नहीं चली जाती आप? आपका परामर्श अनुचित नहीं है। परशुराम, पुत्र मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। जानता हूं
यदि आप अपने पति और पुत्रों के लिए जीवन दान मांगने आई हैं, तो मेरी विनती है, ना मांगिएगा। आपकी मांग को अस्वीकार करते हुए मुझे बहुत दुख होगा। और यदि मैं क्षमादान मांगू तो? क्षमादान? किसके लिए महारानी? स्वयं आपने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए आपको क्षमा की आवश्यकता हो। और सहस्रार्जुन और आपके राजकुमारों को क्षमा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वयं तुमसे क्षमा मांगे तब भी? तो इसका अर्थ ये है कि निर्मम हत्याओं की ये श्रृंखला कभी नहीं टूटेगी? क्या इस श्रृंखला का आरंभ मैंने किया था महारानी? और क्या आपके पति और पुत्रों के अपराधों को भुलाने के लिए क्षमा पर्याप्त है? नहीं है, किंतु क्या हिंसा का उत्तर हिंसा और हत्या का उत्तर हत्या से देने से अपराध की महत्ता कम हो जाती है? पुत्र, मेरे पति और पुत्र अहंकारी हैं, तुम तो नहीं हो। तुम बुद्धिमान हो, शक्तिशाली हो। क्षमा वही कर सकता है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा है। तुम क्षमा कर सकते हो, पुत्र तुम ही क्षमा कर सकते हो। महारानी, आप इतनी दूर मेरे पास चलकर आई हैं। आपने मुझे पुत्र कहकर पुकारा है। आप नारी हैं, माता हैं, इसलिए केवल आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं कि यदि आपके पति और आपके पुत्र समस्त ऋषि समाज से, समस्त भार्गव समाज से अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा मांग लें और ये वचन भी दें कि वो भविष्य में कभी किसी को पुनः कष्ट नहीं देंगे, तो महारानी मैं स्वयं अपना दुख भूल कर उन्हें क्षमा कर सकता हूं। परंतु क्या वो ऐसा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, मैं उन्हें मनाऊंगी। तुम्हारा धन्यवाद पुत्र, मैं उन्हें तुम्हारा प्रस्ताव मानने पर बाध्य करूंगी। मैं चलती हूं पुत्र। मिलाई आपने पुत्र से? हाँ स्वामी, न केवल मिलाई बल्कि एक शुभ संदेश लेकर लौटी हूँ। शुभ संदेश? हाँ स्वामी, बहुत शुभ संदेश। परशुराम संधि करने को तैयार हो गया है। क्या? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। परशुराम ने कहा है कि युद्ध रुक सकता है, संधि हो सकती है। तो मुझे क्या करना होगा? कुछ अधिक नहीं, केवल ऋषि और भार्गव समाज से अपने उन कर्मों की क्षमा मांगनी पड़ेगी जिनके कारण ऋषियों, आचार्यों और विद्यार्थियों को कष्ट पहुंचा है। क्या? हाँ स्वामी, परशुराम ने यही कहा है कि यदि आप क्षमा मांग लेंगे तो वो आपको क्षमा कर देगा। महारानी, मस्तिष्क तो निर्भर गया आपका। मैं क्षमा मांगू? सम्राट शस्त्रार्जुन क्षमा मांगे? वो सम्राट शस्त्रार्जुन जिसने इतिहास में पहली बार क्षत्रिय शक्ति की प्रभुसत्ता स्थापित की है, क्षत्रिय धर्म को पालन करने का सर्वोच्च नियम बना दिया है, अपने यश की पताका चारों दिशाओं में फैला दिया है, क्षत्रियों के सिर झुकाने के इस प्रयास को शुभ संदेश कहती हैं आप? महाराज, शांत होकर सोचिए। ऋषियों के विरुद्ध आपका क्रोध आपकी निजी समस्या थी जिसे आपने जातिवादिता के संघर्ष में परिवर्तित कर दिया। कहना क्या चाहती हैं आप? स्वामी, आपने स्वार्थ और निजहित के लिए जो कुछ भी किया
वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशाप बन सकता है। जातिवाद का रोग यदि समाज के रक्त में घुल गया तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। आप भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं स्वामी। आप अकारण ही भविष्य की चिंता किए जा रही हैं महारानी। हम वर्तमान में जीते हैं। मुझे भविष्य की चिंता है क्योंकि मैं एक माता हूं और जानती हूं कि हम और आप वर्तमान हैं, किंतु हमारे पुत्र भविष्य हैं, और इस भविष्य को मैं बहुत बड़े संकट में देख रही हूं। क्या देख रही हैं आप? महाराज, मुझे उनके कटे हुए सिर दिखाई दे रहे हैं। बंद कीजिए अपना मुख। आप अपनी संतान के लिए ऐसी अशुभ और भयानक बातें कर रही हैं। नहीं स्वामी, मैं चाहती हूं कि मैं जो कुछ भी देख रही हूं वो झूठ हो, परंतु मैं जानती हूं कि ये सत्य है। ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। आप झूठ कह रही हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आप असत्य बोल रही हैं। और यदि यह सत्य है तो हे ईश्वर, मुझे अभी इसी क्षण इस धरती से उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुत्रों का यह परिणाम नहीं देख पाऊंगी। उठा ले प्रभु, मुझे उठा ले। महारानी, कमल नयन, संसार में ये क्या हो रहा है? हमारी संतान क्या कर रही है? महादेवी, जब मानव स्वयं के भीतर छिपी हुई त्रुटियों को दूर करने के स्थान पर उन्हें उचित ठहराने का प्रयास करता है, तब उसका अर्थ यह होता है कि वो सत्य का सामना नहीं करना चाहता। सत्य का सामना करने का साहस वो खो चुका है। वो सत्य से दूर भागता है, मुख मोड़ता है, पलायनवादी बनता है, और ये पतन का लक्षण होता है। महादेवी, मुझे तो ये भय लग रहा है कि सहस्राजुन जिस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है वो आने वाले युगों में मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा रोग बनकर रह जाएगा। एक ऐसा रोग जिसे महामारी में बदलते देर नहीं लगती। मैं जानता हूं कि आपका संकेत किस ओर है महादेवी। इस समय सहस्रार्जुन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, और यही जातिवाद आने वाले युगों में एक अभिशाप सिद्ध होगा। हे महादेवी, जिस प्रकार भूकंप ऊंची अट्टालिकाओं और भवनों को गिराने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार ये जातिवाद एक सुदृढ़ और संगठित समाज को नष्ट करने की शक्ति रखता है। जन, रंग, भाषा, जाति और वर्ण के मतभेद आने वाले युगों में मानव समाज के सामने नित नए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए समस्त समाज को संकट में डालकर सहस्रार्जुन संसार की शांति भंग कर रहा है। मैं समाज में इस जाति और वर्ग के संघर्ष को रोकूंगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। क्षत्रिय वीरों और मित्रों, क्षत्रिय समाज पर आज तक ऐसा संकट कभी नहीं आया। हमारा अस्तित्व संकट में पड़ गया है। भार्गव ने हमारे विरुद्ध संगठित होकर क्षत्रियों का अंत करने का निश्चय किया है। ब्राह्मण आचार्य बनने के स्थान पर शासक बनना चाहते हैं। महाराज, मैं समस्त 21 क्षत्रिय राजाओं की ओर से आपको यह अधिकार देता हूँ कि आप इस परिस्थिति से निपटने का ढंग ढूंढिए, और आप जो भी निर्णय लेंगे वो हम सबको स्वीकार होगा। धन्यवाद मित्रों, आपने मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है मैं उसका आभारी हूं। इस संकट से निपटने का एक ही उपाय है,
हम एक साथ मिलकर रहें, एक साथ युद्ध करें। भार्गव संघर्षण का उत्तर केवल क्षत्रिय एकता है। महाराज, हमारी सेनाएं और हमारे कोष इस एकता के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। हम सर्वसम्मति से आपको अपना नायक मानते हैं। महाराज सहस्र अर्जुन की जय। क्षत्रिय एकता की जय। महाराज सहस्र अर्जुन की जय। क्षत्रिय एकता की जय। महाराज सहस्र अर्जुन की जय। क्षत्रिय एकता की जय। महाराज सहस्र अर्जुन की जय। क्षत्रिय एकता की जय। यशस्वी भाव। वत्स परशुराम, तुम्हारे पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या से ऋषि समाज को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, परंतु हम मात्र तुम्हारे पिता की हत्या पर शोक व्यक्त करने नहीं आए, अपितु तुम्हें यह बताने आए हैं कि यद्यपि हमें जातिवाद से घृणा है, परंतु जिस प्रकार सहस्रार्जुन अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्षत्रियों को भ्रमित करके आश्रमों को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है, हमारे समक्ष इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि हम उसकी दृष्टता का प्रत्युत्तर दें। हमने निर्णय किया है कि आप भार्गवों को संगठित करने का जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सहयोग दिया जाए। मैं आप सबका आभारी हूं। वत्स, तुमने नवयुवकों में एक नई शक्ति, नई स्फूर्ति भर दी है। हम तुम्हें धन, सेना या किसी अन्य सामग्री की कमी नहीं होने देंगे। हम सहस्र अर्जुन का सामना करने के लिए भलीभांति तैयार हैं। मैं पुनः एक बार आप सबका आभार प्रकट करता हूं। वत्स परशुराम, तुम्हारे पिता ऋषि जमदग्नि की सहस्रार्जुन द्वारा जघन्य हत्या मात्र तुम्हारे पिता की हत्या नहीं है, अपितु समस्त ऋषि मुनियों के मान सम्मान की हत्या है और हम सब इसका घोर विरोध करते हैं। युद्ध की घोषणा करो वत्स। जो आज्ञा ऋषिवर, जो आज्ञा। ये भी उत्तम हुआ, अब कोई भी हम पर दोष नहीं धरेगा कि युद्ध का आरंभ हमने किया। हमारी सूचना के अनुसार परशुराम कभी भी हमारी राजधानी पर आक्रमण कर सकता है। महाराज, क्या यह उत्तम नहीं होगा कि हम परशुराम को यहां पहुंचने ही ना दे, उसे यहां आने से पहले ही रोक दे? नहीं, उसे आने दीजिए। सेनापति जी। महाराज, हमारे राजकुमारों को सूचित कर दिया जाए कि कमर कस ले, आक्रमण किसी भी क्षण हो सकता है। जो आज्ञा महाराज। परशुराम। परशुराम, 21 क्षत्रिय नरेशों की एकता के उपरांत अब पिताश्री की शक्ति और भी बढ़ गई है, किंतु मुझे संदेह है। क्यों? क्योंकि पिताश्री तो यूं भी कुछ कम शक्तिशाली नहीं थे। इन 21 नरेशों की शक्ति पिताश्री की शक्ति के आगे क्या अस्तित्व रखती है? मुझे भय है कि एकता भी परशुराम जैसे शत्रु के विरुद्ध पर्याप्त नहीं सिद्ध होगी। मैं भ्राता श्री से सहमत हूं।
राजकुमारों की जय हो। मैं आप सबको सूचित करने आया हूं कि परशुराम ने हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्या? हम जानते थे ये होने वाला है, ये होकर ही रहेगा। अब तो युद्ध के अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं रह गया है। उस युद्ध का क्या लाभ जिसका परिणाम प्रारंभ से पहले ही विदित हो? आप जा सकते हैं सेनापति। क्या परशुराम को रोकने का कोई उपाय नहीं है? रोकने का तो कोई उपाय नहीं है, किंतु उसका ध्यान बटाने का एक उपाय है। युद्ध के समय यदि शत्रु का ध्यान बट जाए, उसकी एकाग्रता भंग हो जाए, तो भी वो दुर्बल हो जाता है। और परशुराम की एकाग्रता भंग करने का मुझे एक उपाय सूझ गया है। भ्राताश्री, उत्सुकता मत बढ़ाइए, शीघ्र बताइए आपको क्या उपाय सूझा है। कौन बचा सकता है हमें इस परिस्थिति में? अनामिका। अनामिका? हम समझे नहीं भ्राताश्री। अनामिका परशुराम के बहुत निकट है, उसने परशुराम की हर पग पर सहायता की है। उसने परशुराम के लिए प्रचारिका और संदेशवाहिका का कार्य किया है। वो परशुराम से प्रेम करती है और परशुराम के लिए प्रेरणा का एक रूप है। यदि हम अनामिका को उठा लाएं, तो परशुराम का ध्यान बढ़ जाएगा। मैं तो आपको बहुत बुद्धिमान समझता था भ्राताश्री, पर आपने जो उपाय बताया है वो उपाय कम और विपदा अधिक जान पड़ती है। क्यों? मूर्ख, ये तो आ बैल मुझे मार वाली स्थिति होगी। इससे तो परशुराम का क्रोध और बढ़ जाएगा और वो प्रलय बनकर हमारे सिरों पर टूट पड़ेगा। मूर्ख मत बनो, राजनीति को समझने का प्रयत्न करो अनुज। अनामिका हमारे पास होगी तो हम परशुराम से सरलता से लेन देन कर सकेंगे। वो कैसे? हम उससे कहेंगे कि यदि वो अनामिका को जीवित देखना चाहता है तो हमसे युद्ध के स्थान पर वार्तालाप करे। और परशुराम ना माना तो? तब हम कह देंगे कि हम तो मरेंगे पर अनामिका को भी मरना पड़ेगा। मान गए भ्राताश्री, यह है वास्तविक राजनीति। तो फिर चलिए, विलंब करना ठीक नहीं। चलो चलिए चलिए। दाता ने जन्म से पूर्व ही मानव समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कार्य नियुक्त कर दिए थे। हम ब्राह्मण हैं, समाज को शिक्षा प्रदान करने का कार्य हमें सौंपा गया था और समाज की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों को जन्म दिया गया था। परंतु ये तो विधि की विडंबना है कि जिसे रक्षक का कार्य सौंपा गया वही पक्षक बन गया है, लुटेरा बन गया है। समाज में सुरक्षा के स्थान पर असुरक्षा फैला रहा है। जिन हाथों में पुस्तक होनी चाहिए थी आज उन हाथों में खड़ग है। जो हाथ आशीर्वाद देने के लिए बने थे यदि आज उन हाथों में शस्त्र दिखाई दे रहे हैं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हे शिव शंभो, ये तो समस्त संसार जानता है कि हमें ऐसा करने पर विवश कर दिया गया है। मित्रों, ये जान लीजिए कि किसी भी सेना की शक्ति होती है उसके अस्त्र और शस्त्रों में। सहस्त्रार्जुन की सेना नवीनतम शस्त्रों से लैस है। यदि हम सहस्त्रार्जुन का शस्त्रागार नष्ट कर देते हैं तो उसकी शक्ति आधी रह जाएगी। मित्रों, हम सहस्त्रार्जुन के शस्त्रागार पर आक्रमण करेंगे, उसके समस्त शस्त्रों को लूट लेंगे और उसके शस्त्रागार को फूंक देंगे। हर हर सत्य अहिंसा धर्म से जो लेगा मुख मोड़,
देगा उसको ईश्वर बीच डगर में छोड़। गगरी अत्याचार की जब मुख तक भर जाए समझो वो दिन है निकट जिस दिन होगा न्याय जिस दिन होगा